जैन दर्शन के महान न्यायाचार्य आचार्य हुए। अच्छा अपना आज स्वाध्याय रास्ते में करेंगे, तुम बीच में विषय विघन नहीं कर पाए। भट्ट अकलन स्वामी जिन्होंने जैन दर्शन की रक्षा अपने भाई के प्राण देके की, सोचो, फिर प्रण को पूर्ण किया, जिनने भाई के प्राण लिए उनको भारत की धरती से शून्य कर दिया, बेअकलंक स्वामी कितना दृढ़ विश्वास होगा, कितनी दृढ़ आस्था होगी उनके अंदर, और जैनत्व के प्रति कितनी दृढ़ भक्ति होगी। विद्या को सीखना, विद्या का प्रयोग करना, शास्त्रार्थ करना, फिर लेखन करना, जो भी ग्रंथ लिखे हैं आज पूरा भारत देश ही नहीं विदेश अकलंक स्वामी के चरणों में सिर टेकता। दो बातें रहती भैया, हमारा शत्रु वो विषय अलग है, लेकिन बुद्धिमान है आदमी है, जो प्रज्ञावंत पुरुष होगा ना अपने शत्रु की भी प्रज्ञा को प्रणाम करता हो। अस्त्र शस्त्र से लड़ने वाले लोग तो दूसरे के अस्त्र शस्त्रों की प्रशंसा करते हैं। भारत के ब्रह्मोस्त्र की चर्चा चल रही पूरे विश्व में, कई ब्रह्मोस्त्र बना मिसाल बना ली भारत ने, उसकी पूरे देशों में खूब बिक्री चल रही भारत से। अब यहाँ पर जो है ना, जब तुम्हारी ब्रह्मोस्त्र की बात हो रही है तो ऐसे तुम कोई विशेष शास्त्र लिख दो। एक सज्जन गद्दी पर आपकी देशना पड़ रहे थे और बरसों तक चल रही हो, तो एक अन्य पुरुष पहुंचे वहां पर उस नगर में, बोले ग्रंथ तो भी शुद्ध सागर जी का है, आप तो अमुक महाराज जी के भक्त हो, ये क्यों पढ़ रहे हैं इनकी। बोले भाई भक्ति अलग मैटर है, भक्ति हमारी वहाँ है सो है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में जो भाषा है और पूरे हमारे श्रोताओं का मन लगता है इसी में लगता है, इसलिए हमारी गद्दी पे लगातार 5-6 साल से चल रहा है। तो ये व्यक्ति, ये है खोज भारत चीन का विकल्प है अंदर में, फिर भी चीन की सामग्री भारत में चल रही है, क्योंकि भारत समझता है कि हम बनाएंगे तो बहुत देर लगेगी, कि बनी बनाई मिल रही है। तो ऐसे कई देशों के समझौते रहते कि नहीं रहते भैया, इसी प्रकार से प्रज्ञा के युद्ध होते हैं, और प्रज्ञा के युद्धों में हम आपसे लड़ने को भी खड़े हैं, परंतु हम अपने छात्रों को पढ़ाएंगे तुम्हारा ही साथ, क्यों, इससे ही हमारे छात्रों की प्रज्ञा बढ़ेगी। अकलंक स्वामी ने अपने शत्रु घर में बैठकर पढ़ाई करके आए हैं, समझिए, शत्रु घर में पढ़ाई करके आए हैं। तो संसार मुख्य उपयोग कथम मुक्ति स्वरूप, तो संसारी जीव उपयोगमयी है और मुक्त जीव भी उपयोगमयी है, इसकी व्याख्या पूर्व में आपने कर ली है। परिणामांतर संक्रमात्मा ध्यानवत, पढ़ो चार नंबर है, समुच्चयार्थ व्याख्यार्थम चार शब्दों अर्थकमिति चेत न उपयोगस्य गुण भाव प्रदर्शनार्थम त्वात्। समुच्चयार्थ व्यक्त्यर्थम, समुच्चय अर्थ अव्यक्ति करने के लिए चार शब्द अनर्थकम, चार शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है, ठीक है ना, समुच्चय तो उन्हें चार शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है, ऐसा प्रश्नकर्ता के रूप में कहा। इति चेत, ऐसा तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, इति चेत ना, ऐसा कहना उचित नहीं है। उपयोगस्य गुण भाव प्रदर्शनार्थत्वात्, उपयोग जो है ना वो दो प्रकार से, उपयोग गुण यानी गौणता प्रदर्शन, गुण की उपयोग की गौणता को प्रदर्शन करने के लिए ये चार शब्द का प्रयोग किया गया, उपयोग की
गौणता उपयोग की प्रधानता, तो गुण भाव प्रदर्शनार्थम, गुण भाव को प्रदर्शित करने के लिए, और उपयोग को गुण भाव को प्रदर्शन करने का मतलब उपयोग गुण करना है, उपयोग को गुण करना है। तो जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त, तो उपयोग दोनों में एक सा है। ज्ञान दर्शन उपयोग संसारी में भी है और ज्ञान दर्शन उपयोग सिद्धों में भी है, इसलिए उपयोग को हमने गौण वृत्ति में रखा है, दोनों जगह है उपयोग प्रधान रूप में। हाँ, संसार को और मुक्त को शब्द को हमने प्रधान रूप में रखा है, उपयोग को गौण क्यों रखा, क्योंकि उपयोग दोनों जगह होता है। सामान्य विशेष तो जीवत सामान्य है, चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, लेकिन मनुष्य देव विशेष हो गया है। ऐसे संसारी और मुक्त विशेष हैं, लेकिन उपयोग दोनों में ही होता है। अब आप जो भेद करो, पर्यायजन उपयोग का भेद है, शुद्ध ज्ञान दर्शन अशुद्ध ज्ञान दर्शन, ये उपयोग की पर्याय हैं, लेकिन उपयोग तो दोनों में है। बहुत बढ़िया। श्यान मतम चा शब्द अनर्थकम, देखो समझा रहे हैं, आपके मत में चा शब्द अनर्थक है, कुतः, बोले कैसे, अर्थ भेदा समुच्चय सिद्ध, अर्थ के भेद से समुच्चय की सिद्धि होती है, भिन्नमी संसार मुक्तस्य, संसारी और मुक्त कैसे हैं, भिन्न, संसार मुक्तस्य ततो विशेषण विशेष अनुत्पत्ति, विशेषण विशेष की अनुत्पत्ति होने समुच्चय सिद्धा समुच्चय की सिद्धि होती है, यथा प्रतिव्याप्ति वायु इति तन्ना किम, उन्होंने जैसे कहा प्रतिव्याप्ति वायु, ये सूत्र क्यों लिखा, इन सब में एक इंद्रियपना है, ठीक है, तन्ना ऐसा नहीं है, किम कारण, क्या कारण, उपयोगस्य गुण भाव प्रदर्शनार्थत्वात्, भिन्न भिन्न होने चार सब बिना समुच्चय का ज्ञान हो जाता है, संसारी भिन्न मुक्त भिन्न, ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु संसार जीव का है, और विशेषण विशेष की उत्पत्ति हो सकती ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि सूत्र में चार शब्द संचार नहीं है, किंतु अनुवाच्य अर्थ में है, कैसा अनुवाच्य अर्थ में, उपयोगस्य गुण प्रदर्शनार्थत्व चार शब्द समुचित क्वत रही, तो क्या है अनुवाच्य अन्वय में, तत्र ही एक प्रधान भूता, एक प्रधान भूत इत्रो गुण भूता और दूसरा गुण भूत, यथा भेक्षम चर देवदत्त चाहने, भेक्षम चर देवदत्त को लाओ भिक्षा कराओ, भेक्षम चर देवदत्तम चाहने, देवदत्त को बुलाओ और भिक्षा कराओ, तो देवदत्त को बुलाओ उसमें भिक्षा कराओ यह पद प्रधान है, और देवदत्त को लाओ यह गुण है, मूलता क्या है विषय में, किसी को बुला सकते हो, लेकिन भिक्षम चर भिक्षा दो ये क्या हो गया प्रधान हो गया, भिक्षा दो, भिक्षा क्या हो गया प्रधान हो गया, देवदत्तान है सामान्य है, तत्र भिक्षाचरण देवदत्ता आनियम प्रधान सिस्टम, तथा संसारणा प्रधानोपयोगिनो मुक्ता, तो संसारणा प्रधानी उपयोगिनो मुक्ता गुण भावेन तस्य प्रदर्शनार्थम, तो संसार जो है ना वो प्रधान है, कहा प्रधान संसार प्रधानिन उपयोगनो उक्ता, संसार प्रधान है, उपयोग जो है ना सामान्य है, गुण भावेन तस्य प्रदर्शन, इस बात को प्रदर्शन करने के लिए, मतलब उपयोग को गौण दिखाने के लिए और संसार को प्रधान करने के लिए, कथम संसार मुख्य उपयोग, तो संसार दिए मुख्य उपयोग कथम मुक्तेशु गुण वा, तो संसार जीवन उपयोग की मुख्यता और मुक्त जीवों में गुणता क्यों, ओ बालक बहुत सुंदर प्रश्न है, हमने संसार जीव में उपयोग को प्रधान कहा है, संसार जीव के लिए उपयोग प्रधान कहा और मुक्त जीव में गुण कहा है, उसको आगे समझाने वाले इसलिए कहा है, देखो संसारी जीव के उपयोग का उपयोग होता है क्रिया रूप में, मुक्त जीव का उपयोग नहीं आता क्रिया रूप में, स्त्री रहता है, इधर देखो मित्र, इधर भी देख रहे, इधर देख ऐसा उपयोग चल रहा है, देख केवल ही भगवान है, उनको ना इधर देखना ना इधर देखना, कुछ करना भी नहीं है, इसलिए उनका उपयोग कैसा है, स्थिर है गौण रूप में, और संसार जीव का उपयोग
प्रधान रूप में, क्योंकि इनका उपयोग काम कर रहा है। बोलो कुछ। तो ये क्या कोई ग्रंथ लिखा जाए ना, इसके उपरांत ग्रंथ लिखो तो बुद्धि ज्यादा चलती है। अकलंक स्वामी की बुद्धि बहुत चल रही। चाह शब्द का कितना गहरा अर्थ किया, ऐसे ले लीजिए, माना कि वस्तु तो महाकाव्य, इन्होंने मंगलाचरण के ऊपर इतनी बड़ी मोटी पुस्तक लिख ली है, इसलिए एक ग्रंथ बनाने के बाद जो उस पर जो टीकाएं चलती हैं वो नाना अर्थों से भरी होती हैं। अभी आपको लग रहा है कि अकलंक स्वामी ने सब कुछ लिख दिया, यदि अकलंक स्वामी के ग्रंथ का अध्ययन करके अब पुनः कोई और लिखना चाहेगा तो इसे और ऊपर लिख सकते हैं, यदि शिव समय तो सिद्धि।